सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। मैं हूं अंकित पांडे, आया हूं आपको पढ़ाने केमिस्ट्री। आप पढ़ रहे हैं वैद्युत रसायन और आज हम बात करने वाले हैं लवण सेतु के बारे में। लवण सेतु यानी जिसे साल्ट ब्रिज के नाम से हम जानते हैं, लवण सेतु। तो साल्ट ब्रिज के नाम से हम जानते हैं। अब ये लवण सेतु होता क्या है कि जब हम दो अलग अलग इलेक्ट्रोड लेते हैं और उसका वैद्युत अवघट लेते हैं तो कभी कभी हम देखते हैं कि किताबों में एक बीच में एक ऐसी यू उल्टी यू उल्टे यू आकार की नली लगी होती है, उल्टा यू इस टाइप की, और उसे दोनों विलयनों में अलग अलग में क्या कर रहता है, डुबोया गया रहता है। तो इसी के बारे में जाना कि यह है क्या और ये करता क्या है, ये है क्या और इसका यूज क्या है, ये क्या कैसे कार्य करता है, किस प्रकार से इसकी भूमिका है सेल में। तो आइए देखिए वो भी किस सेल में, अलग अलग जिस ऐसा सेल जिसमें इलेक्ट्रोड का पात्र अलग हो और एनोड का पात्र अलग हो और कैथोड का पात्र अलग हो, उसी में हम जो है साल्ट ब्रिज का प्रयोग करते हैं। एक ऐसा भी सेल आपको दिखाई देता है जिसके अंदर पात्र में ही एक कैथोड और इलेक्ट्रोड हो, तो उसमें तो साल्ट ब्रिज की आवश्यकता तो पड़ती नहीं। हाँ, पार्टीशियन लगा देते हैं बीच में छोटा सा, वो अलग, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि एक ही पात्र है और इसमें ही कैथोड भी लगा है और एनोड भी, ये एनोड है मान लेते हैं, ये कैथोड है। तो इसमें क्या करेंगे कि जो हमारा ये इस तरीके से जो विलयन है तो इसके बीच में हमें पार्टीशियन क्या लगा देंगे, साल्ट ब्रिज आपको फिर ऐसे दिखेंगे। तो अलग अलग इस तरीके से हम कार्य कर सकते हैं। फिलहाल आइए देखें कि लवण सेतु का किस प्रकार से जो है उपयोग किया जाता है और ये होता क्या। तो इसे हम कहेंगे कि एक प्रकार का निष्क्रिय वैद्युत अवघट होता है जो सेल में प्रयुक्त होने वाले वैद्युत अवघट से अभिक्रिया नहीं करता। एकदम सिंपल सी बात। इसकी चर्चा हम करते हैं कि ये इसका काम कहाँ है और कैसे है। जैसे देखिए जब हम क्या करते हैं कि हमने मान लेते हैं ये दो पात्र रख दिया और इसमें हमने डाल दिया क्या, एक हमने जो है इस तरीके से और यहाँ पे हमने ऐसे मिला दिया और इसके अंदर हमने एक इलेक्ट्रोड लगाया, मान लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड वाला एनोड का कार्य कर रहा है और राइट हैंड साइड वाला कैथोड का। कौन सा सेल है अभी इसके बारे में चर्चा नहीं, वैद्युत अवघटनी सेल भी हो सकता है, वैद्युत रासायनिक सेल भी हो सकता है, उसका कार्य नहीं। लेकिन एनोड तो वही कार्य करेगा, कैथोड तो वही कार्य करेगा जो उसकी भूमिका है, एनोड तो वही कार्य करेगा जो ऑक्सीडेस ऑक्सीकृत करेगा और कैथोड तो अपचयित। तो एनोड पर क्या होने वाला है, एनोड पर होने वाला है कि इसकी राड गलने जा रही है और कैथोड पर क्या होने वाला है, इसकी राड पर मोटी परत चढ़ने वाली है। मान लेते हैं ये एनोड किसका है, जेडन का, और मान लेते हैं ये एनोड किसका है, कॉपर का। तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो होगा ये ZnSO4 और ये होगा कॉपर SO4। सांद्रताएं आप एक मोलर की समझिए चाहे एक जो 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर समझिए, अभी उससे कोई फर्क नहीं होने वाला। सवाल ये है कि जब ये एनोड का कार्य कर रहा है Zn, तो Zn क्या करेगा, Zn करेगा इलेक्ट्रॉन का त्याग, जेडन करेगा इलेक्ट्रॉन का त्याग और ये क्या बनाएगा, जेडन एक्वस बनाएगा, यानी ये जो राड है वो धीरे धीरे गलना शुरू होगी और गलते गलते इसके जेडन कहाँ आएंगे, इसमें जेडन डबल प्लस जेडन डबल प्लस जेडन डबल प्लस जेडन डबल प्लस क्या होंगे, बढ़ना शुरू कर देंगे। जेडन डबल प्लस की सांद्रताएँ क्या होने लगी, बढ़ने लगी। वही कार्य कापर के लिए होगा, तो कापर के लिए कैसा होगा कि कापर जो है देखिए कापर SO4 ये इसके अंदर विलयन है, कापर डबल प्लस प्लस SO4 डबल माइनस का जो है ये सॉल्यूशन है, एक तरीके का कहें विलयन है। और ये कापर डबल प्लस क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन जो ये इलेक्ट्रॉन
त्यागा है वही इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, ग्रहण करेगा, और ये कॉपर जो है जो एक्वस है वो दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाएगा, कॉपर सॉलिड बनेगा। और ये कॉपर सॉलिड कहाँ जमा होगी, इसके चारों तरफ परत बनाएगी। आपको लग रहा होगा सर ये तो हमें पहले से ही मालूम है सर, इसमें इतना लंबा बता के क्या आप साबित कर रहे हैं, बार बार वही बात बता रहे हैं। ये समझना पड़ेगा आपको बार बार, किसको समझने के लिए, लवण सेतु को समझने के लिए। इसको एक बार और समझ लीजिए ताकि तभी मैं बता पाऊँ कि सही। तो देखा आपने कि ZnSO4 तो Zn++ और SO4 में टूट रहा है, वो तो था ही था, लेकिन ये राड गल के और Zn++ भी इसमें क्या कर दी, बना दी, और Zn++ इसमें क्या कर दिया, बना दिया। वहीं इसका क्या हाल है, इसमें कॉपर SO4, कॉपर डबल प्लस और SO4 डबल माइनस था, कॉपर डबल प्लस तो जाके यहाँ एकत्रित हो गया। अब जो आयन बच गया वो आयन कौन था, SO4 डबल माइनस, वो आयन कौन था, SO4 डबल माइनस। अब यही मैं बताना चाहता हूँ कि इन आयनों की सांद्रताएं बढ़ने के कारण हमारा सेल उतने अच्छे से कार्य नहीं कर पाता जितने अच्छे से उसे कार्य करना चाहिए। अब सवाल है कि इस आयन को बैलेंस कौन करेगा, इस आयन को कौन संतुलित करेगा जिसके कारण आयनिक प्रभाव घट जाए और हमारा सेल प्रॉपर बना रहे, प्रॉपर चलता रहे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम करेंगे कि एक जो है सॉल्ट ब्रिज लेंगे, उल्टे कांच की नली यू आकार में बनाकर उसे उल्टे तरीके से रख देंगे और इसके किनारे पर कॉटन लगा देंगे, कॉटन का कपड़ा या कवर करके बांध के या जिस तरीके से लगा देंगे। अब इसमें हमने क्या क्या भर सकते हैं, इसमें हमने क्या क्या, देखिए पाउडर भरा होगा, इसमें हम भर सकते हैं KCl पाउडर, KCN पाउडर, KNO3 पाउडर, इसके अतिरिक्त K2SO4 भी हम भर सकते हैं, इसके अतिरिक्त NH4Cl भी हम भर सकते हैं, और भी बहुत सारे तरीके के पाउडर का हम इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अंदर। ये इसके अंदर रहता है विलयन के रूप में, विलयन भाई ये भी वैद्युतक घटक, इनमें से कोई भी, देखिए K2SO4 का जनरली उपयोग नहीं करेंगे ऐसे केस में जहाँ पे ऑलरेडी वो आयन रहे, बात समझिए, जिसके पास NO3 आयन रहेगा वहाँ NO3 का यूज नहीं करेंगे। यानी कि ऐसे आप सॉल्ट का यूज कीजिए, सॉल्ट ब्रिज का यूज कीजिए जो इसके आयनों में, देखिए अगर हम यहाँ पर कुल मिला के आयन की बात करें तो Zn++ है, SO4 डबल माइनस है, और कौन है, कॉपर डबल प्लस है, क्योंकि कॉपर डबल प्लस में SO4 डबल माइनस ऑलरेडी है, वो उसकी चर्चा हम पहले कर चुके। तो इन तीनों में से कोई भी आयन नहीं रहना चाहिए, इन तीनों में से कोई भी आयन नहीं। तो मान लेते हैं कि जैसे हमने KCl का प्रयोग कर लिया, तो KCl में देखिए क्या करेगा, जैसे Zn++ यहाँ बनना शुरू हुआ और जैसे यहाँ SO4 डबल माइनस अधिक मात्रा, देखिए मात्रा जिसकी अधिक है वही आयनित होगा, क्योंकि इसका साथी कहाँ चला गया, देखिए यहाँ तो Zn++ यहाँ पे जितने Zn++ पहले थे उतने SO4 डबल माइनस भी थे, दोनों आपस में एक दूसरे को क्या कर ले रहे थे, दोनों आपस में एक दूसरे को उदासीन कर ले रहे थे। लेकिन जब ये राड गल के Zn++ बनाना शुरू कर दिया तो यहाँ Zn++ की मात्रा ज़्यादा होने लगी, और यहाँ पे क्या हुआ कि कॉपर SO4 में कॉपर डबल प्लस तो राड के ऊपर जाके जमा होने लगा, उदासीन हो गया, कॉपर डबल प्लस दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके उदासीन होकर कॉपर सॉलिड के रूप में राड पर जमा होने लगा। लेकिन बचा कौन, अधिक मात्रा में कौन बचा रह गया, SO4 डबल माइनस। तो अब ये साल्ट ब्रिज का क्या कार्य है, माफ करिएगा थोड़ा, और एडिटिंग ऑप्शन नहीं है इसलिए इसे हम कट भी नहीं कर सकते, तो थोड़ा सा क्षमा करिएगा। तो हम ये कह रहे थे कि जैसे ही Zn++ अधिक मात्रा में बना तो ये Cl, यही Cl आयन क्या करेगा, यहाँ पे रिएक्ट करेगा और इस Zn++ को क्या कर देगा, Zn Cl2 के रूप में उदासीन कर देगा।
इसी प्रकार से बाकी जो k प्लस है, ये जो k प्लस है वो k प्लस किसके पास जाएगा, SO4 डबल माइनस के पास जाएगा और क्या बना देगा, K2SO4 का उदासीन। अब इसकी सहायता से इसको आप अच्छे से समझिए, देखिए किस तरीके से हम कह रहे हैं कि ये K प्लस ये SO4 माइनस के साथ क्या बना दिया, K2SO4 बना दिया, उदासीन हो गया, आयन तो हट गए। जरा विचार करिए कि ZN डबल प्लस जितना बना होगा, ZN डबल प्लस कहाँ से बना, ZN डबल प्लस ZN से बना, ZN से ZN डबल प्लस जितना बना उसका दुगना इलेक्ट्रॉन निकला, वही दुगना इलेक्ट्रॉन जाकर कापर से कापर डबल प्लस को आपस में रिएक्ट किया, इसको लेके गया राड के पास। अगर कापर डबल प्लस यहाँ से हटने जितनी संख्या में हटे होंगे उतनी ही संख्या में SO4 क्या होगा, बना होगा, यानी कहीं ना कहीं ZN डबल प्लस की संख्या और SO4 डबल माइनस की संख्या क्या हुई होगी, बराबर हुई होगी। ZN डबल प्लस की संख्या SO4 डबल माइनस की संख्या आपस में बराबर है, ZN डबल प्लस जितने Cl से रिएक्ट करेगा SO4 डबल माइनस भी उतने K प्लस से रिएक्ट करेगा, यानी ये KCl उतना ही टूटेगा जितना उसको आवश्यकता होगी। आपको ये बात समझ आई, इसीलिए दो अलग अलग अर्ध सेलों के बीच में हम क्या लगाते हैं, लवण सेतु का प्रयोग करते हैं, जिसकी सहायता से हम क्या कर सकें, इसको अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकें। तो ये तो था हमारा लवण सेतु का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ लवण सेतु क्यों यूज होता है ये आपको इसका उत्तर मिल गया होगा। तो आज के लिए बस करते हैं इतना ही, आगे कल, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए।